मंदिरों में योगी सरकार के मंत्रियों के डुबकी लगाने पर शशि थरूर का तंज। क्या पाप धोने के लिए योगी सरकार ने गंगा में लगाई डुबकी? प्रयागराज में चल रहे कुंभ में यूपी की योगी सरकार के मंत्रियों ने डुबकी लगाई तो पूरे देश भर में इसकी तस्वीरें सुर्खियों में आ गई। लेकिन इसको लेकर विरोधियों के साथ साथ बीजेपी के अपनों ने भी सूबे की योगी सरकार पर तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल से संगम में योगी सरकार के मंत्रियों की डुबकी लगाने वाली एक तस्वीर पोस्ट की। अपने इस ट्वीट में थरूर ने लिखा, गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यही धोने हैं। इस संगम में सब नंगे हैं, जय गंगा मैया की। उधर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने भी योगी सरकार के मंत्रियों के गंगा स्नान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अपने पाप धोने के लिए कुंभ में गंगा स्नान कर रहे हैं। राजभर ने दावा किया कि योगी सरकार में एसपी बीएसपी सरकार की तुलना में 4 गुना अधिक भ्रष्टाचार है। हालांकि शशि थरूर को अपने ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होना पड़ा। वहीं यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी शशि थरूर को आड़े हाथों लिया है। योगी के मंत्री ने कहा कि वो कुंभ का महत्व कैसे समझेंगे, वो जिस माहौल और संस्कृति में पले बड़े हैं वो ये नहीं समझाता है। आप लोगों ने कई गलत काम किए हैं, इसलिए एक पवित्र डुबकी लगाइए, तभी आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करने में सक्षम हो सकते हैं। आपको बता दें कि थरूर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी वहां डुबकी लगाने की चर्चा जोरों पर है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रियंका फरवरी के पहले हफ्ते में संगम में डुबकी लगाकर अपने कामकाज की शुरुआत कर सकती हैं। इतने ही नहीं, इससे पहले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री भी गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।